छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सोमवार को एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें लोगों को संक्रमण से बचाव के मानकों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण दर में वृद्धि के साथ शहर में भी पिछले एक हफ्ते से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ व हेल्थ केयर वर्कर्स समेत अटेंडेंट्स के साथ आम लोगों को भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी है, ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। कोरोना से कैसे बचें? सार्वजनिक स्थानों पर हमेशा मास्क पहनें। छींकते और खांसते समय नाक और मुंह को रूमाल या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल के तुरंत बाद टिश्यू को बंद डिब्बे में फेंक दें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी अवश्य बनाए रखें। बार बार हाथ धोने का अभ्यास करें। बुखार, सांस लेने में कठिनाई और खांसी होने पर डॉक्टर को दिखाएं। कोविड वैक्सीन की बूस्टर खुराक लें और अपने बच्चों को भी टीका लगवाएं। अपने हाथों से अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। कोरोना के लक्षण दिखने पर कोविड की जांच कराएं। वहीं हरियाणा में भी अब कोरोना का डर सताने लगा है। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के केसों में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 68 नए केस सामने आए, जिससे एक्टिव केसों की संख्या 257 तक पहुंच चुकी है। लेकिन उसमें जो इंडिया का बीच में हिस्सा है ना, दैट इज 1.5% अराउंड। जितने वर्ल्ड वाइड केसेज हुए हैं उसमें भारत में सिर्फ 1.5% के हैं, और पिछले एक हफ्ते के अंदर हम देखें तो नियर अबाउट 1,200 पेशेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया है। तो ये जो सर्ज है, अपवर्ड सर्ज है, ये पानीपत में भी, जैसे हम पानीपत पानीपत में भी बढ़ी है, लेकिन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। एंड सेकंड बात ये है कि जो एक पेशेंट आए हैं ये कोई सीरियस नहीं, माइनर एलिमेंट्स आए हैं। बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है, जिसके बाद अस्पतालों में कोरोना सैंपलिंग को भी बढ़ा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।